नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रेमडेसिविर खरीदने के लिए महाराष्ट्र में आधार कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना संक्रमित शख्स के रिश्तेदारों द्वारा रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब खरीदने पर आधार कार्ड, कोविड 19 पॉजिटिव रिपोर्ट और डॉक्टरी पर्चा दिखाना अनिवार्य कर दिया है। एफडीए मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि जिन लोगों को इन दवाओं की जरूरत नहीं है, वे इन्हें खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यह कदम उठाए जाने की जानकारी उन्होंने दी। तो वही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बताया है कि वह बिल्कुल ठीक है और सेल्फ आइसोलेशन में नहीं है, बल्कि वह जरूरी टेस्ट से गुजर रहे हैं और उनका परिणाम नेगेटिव आया है। दरअसल राजभवन के 16 कर्मचारियों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद राज्यपाल के सेल्फ आइसोलेशन में जाने की खबर थी। तो वही तीसरी ओर कोविड 19 संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर WHO द्वारा धारावी की प्रशंसा किए जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महामारी पर मानव की जीत दूसरों को प्रेरित कर सकती है। ठाकरे ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए BMC, गैर सरकारी संगठनों और धारावी के लोगों के संयुक्त प्रयासों की प्रशंसा की। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।